नमस्कार, मैं डॉक्टर छाबड़ा, हेड ऑफ़ द किडनी डिपार्टमेंट ऑफ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरदन। आज आपसे किडनी के काम ना करने की वजहों और उनके इलाज के बारे में कुछ बात करूंगा। किडनी एक ऐसा आर्गन है शरीर में जो शरीर की सफाई को मेंटेन करता है, शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके अंदर कितना पानी रहना चाहिए, कितना निकलना चाहिए उसको मेंटेन करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आपके खून की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। किडनी का मतलब सिर्फ एक फिल्ट्रेशन नहीं, किडनी के बहुत सारे फंक्शन और भी हैं। किडनी क्यों ख़राब होती है? तो दो सबसे बड़े कारण किडनी के ख़राब होने के आज की तारीख में, एक शुगर यानी कि डायबिटीज़ और दूसरा ब्लड प्रेशर है। इन दोनों बीमारियों के होते हुए, इन दोनों बीमारियों का इलाज अगर आप ढंग से और टाइम से करते रहें तो बहुत चांसेस हैं कि आप किडनी के खराब होने से, किडनी फेलियर से बच सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन दोनों बीमारियों से ग्रस्त होते हैं तो आपको बार बार अपने किडनी के फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 6 महीने में एक बार ज़रूर होनी चाहिए। और जैसे ही आपके डॉक्टर आपको बताएं कि आप किडनी की इन्वॉल्वमेंट के इनिशियल स्टेजेस पे पहुंचे हैं, आपको किसी ना किसी किडनी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है जिससे आपकी किडनी फेलियर प्रोग्रेस ना करे। बहुत ओपनली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शायद इस बीमारी को क्योर करने का हमारे पास आज की तारीख में कोई तरीका नहीं है। इस बीमारी को 100% रोकने का भी कोई तरीका शायद नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर हम ध्यान रखें तो हम इस बीमारी की प्रोग्रेस को डेफिनेटली बहुत बहुत स्लो कर सकते हैं, और इतना स्लो कर सकते हैं कि सालों साल आपके निकल जाएं और आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मेरी फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको पता चले कि आपकी किडनी इन दोनों बीमारियों में ग्रस्त होने लगी है तो कृपया ज़रूर किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उसकी सलाह पे असर कीजिए। जो तरीके हैं आपके किडनी फंक्शन को स्लो डाउन करने के, उसके डिटेरियोरेशन को स्लो डाउन करने के, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आपका ब्लड प्रेशर और आपकी जो शुगर के बैलेंस है वो मेंटेन रहे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक रहें, आप जो दवाइयाँ खाएँ किसी भी तरह की उनमें किसी को, गुर्दे को हार्म करने वाली कोई दवाई ना हो, आपका पानी का बैलेंस ठीक रहे, आपका खुराक का इंटेक, आपका प्रोटीन का इंटेक नॉर्मल या उतना हो जो एडिक्वेट है, ना कम ना ज़्यादा। और ओवर एंड अबव कुछ थोड़ी सी ऐसी दवाइयां हैं जो शुरू की जा सकती हैं जिनसे आपका किडनी फंक्शन बचाया जा सकता है। ले प्रेस में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ कीटो एसिड एनालॉग्स या उनके साथ मिलती हुई कुछ और दवाइयां हैं जिससे ये काम किया जा सकता है। आप अगर अपने फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं तो फिर भी अगर धीरे 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 आपकी किडनीज ख़राब होती जा रही हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की या बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुगर से और ब्लड प्रेशर से आपकी किडनीज ख़राब हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो आपके पास दो बहुत उत्तम इलाज हैं। एक तो डायलिसिस लाइफ लॉन्ग और दूसरा ट्रांसप्लांट। मुझे रिवर्स में जाना चाहिए, एक ट्रांसप्लांट और दूसरा डायलिसिस, क्योंकि आइडियल ट्रांसप्लांट है और दो नंबर पे डायलिसिस। ट्रांसप्लांट की सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि आपको कोई फैमिली में डोनर चाहिए आज की तारीख में, या आपको कैडावरिक डोनर की इंतज़ार करनी पड़ेगी। और मैं फिर लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कृपया आगे आइए और अपने अपने पेपर साइन करके रखिएगा ताकि अगर किसी भी और प्रॉब्लम से आप इस दुनिया से जा रहे हैं और आपकी किडनीज ठीक हैं तो आप वो किडनीज दान कर सकते हैं ताकि दो और आदमी किडनी फेलियर से बच जाएं और उनका इलाज हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आगे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की किडनी फेलियर हम ट्रीट कर पाएंगे। दूसरी ट्रीटमेंट है डायलिसिस। डायलिसिस से बहुत ज़्यादा भय है लोगों को, डायलिसिस से डरिए मत। डायलिसिस कोई बहुत पेनफुल प्रोसेस नहीं है, डायलिसिस एक बड़ी ऑर्डिनरी प्रोसेस है जिसमें हम आपके खून को फिल्टर करते हैं। आपके खून में से हर वो पॉइजन्स और हर वो खराब चीज़ जो किडनी निकालती है और नहीं निकाल सकती उसको हम डायलिसिस से निकाल देते हैं। लेकिन डायलिसिस के चलते चलते भी आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं।
क्योंकि डायलिसिस किडनी का सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन का फंक्शन या इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस का फंक्शन कर सकता है, लेकिन जो किडनी के बाकी फंक्शन हैं, या जैसे कि विटामिन डी का फंक्शन, जैसे कि खून बनाने वाला फंक्शन, वो सारे फंक्शंस के लिए आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में अपने आप को रिज़ाइन मत कीजिएगा, प्लीज़ अपने किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा और उसकी सलाह के अनुसार आगे चलिएगा, आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और लंबी उम्र तक जी सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।